हेलो, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस, एसोसिएटेड पार्टनर वेक्टर क्लासेस। आज हम लोग एक डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण परपेंडिकुलर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इससे पहले आपका एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण डायपोल के एक्सिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डेरिवेशन दे चुके हैं। ठीक है, तो पहले थोड़े सा जस्ट क्विक रिवीजन करते हैं। क्या है कि ई जो था आपका क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर था, और क्यू जो था आपका क्यू चार्ज था, और ई था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के आसपास फील्ड को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये जो अगर टेस्ट चार्ज यहां रखते थे, ये दोनों के बीच का जो आर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आर होता है दो चार्जेस का बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, इस बात को नोट कीजिए क्योंकि ये हर बार आएगा। हम लोग डेरिवेशन क्या सीखने जा रहे हैं, डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम अच्छे से बताएं एक वीडियो में, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जरूर देखें, कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ऑन द इक्विटोरियल पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर आपका सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है तो आप देखेंगे कि आपका दो चार्ज है, क्या है आपका दो चार्ज है, और ये दोनों चार्ज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एक नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इसको हम लोग सेपरेट कर देते, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं कुछ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस जिसको बोलते थे, तो ये जो बन जाता आपका इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है। अगर इसके एक्सिस पे, हम लोग अगर निकालते हैं, मान लेते इसके एक्सिस पे कहीं भी, ठीक है, इस लाइन पे कहीं भी निकालते हम लोग, तो इसका एक्सियल लाइन पे कहलाता है। ठीक है, अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले, जो आपको आज निकालना वही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यहां वो है, क्या मान लेते हैं ओ, तो वो सेंटर है किसका, ये पॉइंट का, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया आपका ये। ठीक, तो इस पॉइंट, अगर हम लोग एक कोई पॉइंट मान लेते हैं यहां, इस पॉइंट पे हम क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये क्या आपका एक्सिस है, एक्सिस वाला आपका बन चुका ऑलरेडी, ये आपका जो है किसका बाइसेक्टर है। और एक बार आपका जनरल पॉइंट पे डेरिवेशन, तीन डेरिवेशन आता है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ये आपका हो गया किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे हम लोग क्या रख दिए, टेस्ट चार्ज। ठीक, हम लोग को पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका चार्ज के कारण हो रहा है। यहाँ कितने पॉइंट चार्जेस है, दो, एक या नेगेटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड होता है, क्या होता है आपका आउटवर्ड, तो ये क्या जाएगा आपका इधर जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज के कारण होता है, अंदर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज में इंड हो जाता है, हम आपको बताए थे प्रॉपर्टी जब किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में। देखिए, तो नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण पहले आपका क्या होगा, आउटवर्ड जाएगा, इसके कारण क्या होगा आपका आउटवर्ड जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा आपका, बाहर की ओर जाएगा। ठीक, और ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, समाप्त हो जाएगा किसमें, नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इवन है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ तो वो मान लिए इवन है, और ई टू के कारण क्या होगा, ई टू मान लिए किसका, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स आउटवर्ड जाता है, तो आउटवर्ड बना है, और ये नेगेटिव। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर ये डायग्राम अगर आप सीख लें अच्छे से, तो ये इसका जितने भी जीवनी लिखा हुआ है, इसके जितने भी आपने कथा लिखा है इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए डायग्राम को कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। अब आप लोग 12th में आ चुके हैं, डेरिवेशन ये छोटा छोटा चीज कैलकुलेशन है, वो आपको दिक्कत नहीं देगा, इस डायग्राम को समझिए, डायग्राम को आप रट नहीं सकते। देखिए, तो ये रटेंगे भी तो जबरदस्ती तो थोड़ा मुश्किल होगा आज करने, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक याद नहीं होगा, इसे न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे आप, इसीलिए समझिए। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या गया, इधर गया, नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हो रहा है, इधर आ रहा है। तो अगर ये, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका अगर नेट पूछा जाए तो इधर मान लेते क्या आपका, इधर हो गया। ठीक है, अगर हम इसको मान लेते ये थीटा है, ये क्या आपका थीटा, तो ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा, अगर ये भी थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, शिफ्ट करेंगे इस लाइन को अगर परपेंडिकुलर थी थीटा, ये आपका पॉजिटिव एंगल। ठीक है, थोड़ा सा देखिए यहाँ E2, यहाँ अब ये डिस्टेंस जो हम लोग निकाल रहे हैं, जो C है इक्विटोरियल पॉइंट पे, उसको हम लोग कितना दूरी मान लिया है, R, R क्या है आपका
सेंटर से, किसके सेंटर से, आपके डायपोल के सेंटर से, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि ई जो है मेरा नेट है, ये आपका क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ई वन किसके कारण हुआ, प्लस क्यू के कारण, और माइनस के कारण क्या गया, ई टू हो गया। ये बेसिक बातें हम लोग सीख चुके हैं, ठीक। अब इसका जो है कंपोनेंट तोड़ते हैं, देखिए एक और मेथड, इसका दो दो मेथड है डेरिवेशन का, हम चाहते हैं कि आपका सिंपल मेथड बने डेरिवेशन के लिए, और वो है आपका कंपोनेंट मेथड। देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया आपका ई वन हो गया, इसको उठा के लाते हैं, इसको उठा के इतना जो है इधर लाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ई वन, ये क्या हो गया ई, और ई क्या हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई क्या हो गया ई टू हो गया, ठीक है। और ये आपको कंपोनेंट तोड़ना आना चाहिए, ये कंपोनेंट। तो ई वन के कारण दो कंपोनेंट होगा, एक क्या होगा, एक इसका इधर होगा, ये जो है आपका एक बार इधर होगा, एक बार क्या होगा इधर, इसका कंपोनेंट इधर होगा, क्या होगा इधर, तो इधर जाएगा आपका, ठीक है। तो ई वन के कारण इधर जो होगा वो क्या होगा आपका ई वन कोस थीटा, ठीक है। इसके कारण इधर क्या हुआ ई वन कोस थीटा, और इधर क्या होगा आपका ई वन साइन थीटा। एंगल के सामने वाला बेस वाला क्या बन जाता है आपका कोस, और आपका परपेंडिकुलर वाला क्या बनता है साइन, ठीक है। अब ई टू को तोड़ेंगे तो इधर क्या जाएगा आपका कोस थीटा, सामने ये वाला है ना, तो नेट इधर जाएगा, और इधर क्या जाएगा ई टू साइन थीटा, ये दोनों इक्वल होते हैं। अभी आपको कैलकुलेशन करके इधर दिखाएंगे हम, तो ई वन और ई टू सेम आएगा, ई वन और ई टू क्या आएगा सेम, तो एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो क्या करेगा कैंसिल आउट कर देगा। सिर्फ आपका जो ई है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और वो क्या है ई वन कोस थीटा प्लस ई टू कोस थीटा। तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया डायग्राम, कहीं भी आपको थोड़ा सा मिस्टेक था, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करें फिर से देखें, क्योंकि डायग्राम समझिए, जीवनी लिख लेंगे आप, ये सारा जीवनी आप लिख लेंगे, ये डायग्राम को समझिए, ठीक है। देखिए बाकी ये जो लैंग्वेज है इसका वो वहीं से लिखा जाता है, क्या बोल रहा है आपका, डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्विटोरियल पॉइंट। तो ये बात तो समझ में आ गई कि इक्विटोरियल पॉइंट है, ये आपका एक्सेल पॉइंट होता है, अगर किसी पॉइंट पे यहां बोले तो एक्सेल पॉइंट, और ये लाइन है एक्सिस लाइन हो जाता है, ठीक है एक्सेल लाइन, और अगर कोई दूसरा पॉइंट पे इधर बोलेगा तो जनरल पॉइंट हो जाएगा। फिलहाल हम लोग किस पे निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर बायसेक्टर, और या तो क्या बोले परपेंडिकुलर बायसेक्टर या तो इक्विटोरियल पॉइंट बोले, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग किसको बोला था, इलेक्ट्रिक डायपोल को, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बोले कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल को कंसीडर किया, ठीक है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ठीक। 2L जो यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो क्या है आपका डायपोल लेंथ है। R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज को कहां रखे हैं सी पॉइंट पे रखे हैं, ठीक है। और ये आपका सेंटर है, वो क्या आपका सेंटर है, जिसको न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। इस पॉइंट पे आपका क्या, दोनों के बीच का दूरी क्या आपका आर है, ठीक है, ठीक। ईवन, ईवन जो हम लोग माने किसके कारण माने, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई टू जो माने किसके कारण माने, नेगेटिव चार्ज के कारण, वही चीज को यहां लिख दिया है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको हम उसमें बताए थे कि इसका जो हम लोग लेते हैं डिस्टेंस, जो आर लेते हैं किसके किसके बीच के लेते हैं, वो चार्जेस के बीच में, तो यहाँ चार्ज आपका कौन है, एक ये मान लेते, दूसरे यहाँ क्या मान लेते बी, तो यहां से यहां तक जो है आपका दूरी क्या हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई कि यहाँ कैसे लिखे है, ये कैसे लिखे है, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर है, ये क्या आपका परपेंडिकुलर बायसेक्टर, यहाँ से यहाँ एल हो गया, यहाँ से आर हो गया, तो ये आपका क्या हो गया हाइपोटेनस बन गया, ये हाइपोटेनस का क्या हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये सारी चीजों आपको अच्छे से पहले क्या करना है समझ लेना है, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ये सारी चीजें, क्योंकि आपको ये बेसिक चीजें बात को आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये सारी चीजें अगर आप लिखना चाहेंगे तो वो डायग्राम बताएगा, हम लोग कहां निकाल रहे हैं इस इक्विटोरियल पॉइंट पे, इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या है ई नेट ई वन कोस थीटा ई टू कोस थीटा, तो वही चीज को यहां लिखे कि ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पूरा लिख लीजिएगा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल पॉइंट सी, तो ई हो गया ई वन कोस थीटा और ई टू कोस थीटा, कोस थीटा कॉमन को बाहर कर दिया, ठीक है इवन कोस थीटा, ठीक है। अगर अब हम लोग किसी तरह से इवन को निकाल लेते हैं, ई टू को निकाल लेते हैं, और कोस थीटा को निकाल लेते हैं, और यहां रख देंगे इक्वेशन किसमें फर्स्ट में, तो आपको ये सारे क्या हो जाएगा डेरिवेशन आ जाएगा। देखिए तो इवन प्लस ई टू के लिए आपको पता है क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है के क्यू बाय आर,
तो जो आर है एक बार किसके बीच में होगा, ये और सी के बीच में होगा, ये और सी के बीच में एक बार क्या होगा, बी और सी के बीच में, ठीक है। देखिए यहाँ तो फोर किसके लिए, इवन, इवन को लिखे, इवन को ऑलरेडी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके, किस पे है, क्यू नॉट पे, किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। तो इसका बीसी कितना जाएगा, डिस्टेंस देखिए, इवन माने किसके कारण, इसके कारण, ये क्या हो गया बीसी, तो यहां से यहां तक के क्या हो गया आपका इवन, डिस्टेंस क्या हो गया बी से सी का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एर स्क्वायर। वैसे दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा, या तो एसी बोले या तो बीसी बोले, देखिए तो यहाँ क्या हो गया बीसी, तो के क्यू बाय बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर यहाँ रख दिए वैल्यू आपका, और के क्यू बाय ये अंडर रूट आर जाएगा, ये सिंपली आगे क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एर स्क्वायर। अभी इवन आया, अभी क्या है आपका इवन, अभी क्या चाहिए आपका ई टू, ई टू चाहिए अब फोर किसके लिए, ई टू के लिए, एसी क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सेम हो गया वही चीज है, तो के क्यू बाय एसी, एसी कितना आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, इसको डाल दिया वैल्यू आपका सेम आ गया। अच्छा ध्यान से देखेंगे तो इवन और ई टू, ई टू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इवन भी के क्यू बाय, दोनों मतलब सेम है आपका, दोनों क्या है सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि इवन और ई टू दोनों यहाँ क्या है सेम ही है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए अब यहाँ कोस थीटा, आपको अभी इवन मिला ई टू मिला, अब क्या चाहिए आपका कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ निकालेंगे, तो कोस थीटा निकालने के लिए आपको बहुत सिंपल है कि इसको जो इसको उठाइए यहाँ से, इसको क्या कीजिए यहाँ से उठाइए और इसको यहाँ लाइए, देखिए तो यहाँ से लाएंगे तो ये से वो आ गया नीचे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ क्या आ गया सी से वो, सी से वो, तो सी से वो का दूरी कितना है आर है, सी से वो का दूरी क्या है आर है, और ए से वो का दूरी क्या है एल है, और तो आपको ये क्या आ जाएगा आपका ये हाइपोटेनस क्या आ जाएगा इसी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कोस थीटा जो होता है आपका बेस बाय क्या होता है हाइपोटेनस, तो बेस कितना आपका एल और आपका हाइपोटेनस क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप इसको नहीं भी डायग्राम बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोस थीटा सिंपली यहां से डायग्राम से देख के क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी के लिए हम यहाँ क्या किया बना दिए इसको, क्या कि हम लोग इतना से काट के उठाएं और यहाँ रख दिए, और ये एल था और ये क्या था आपका आर, तो हमको क्या निकालना था कोस थीटा, तो बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। इवन मिल गया रख देंगे, ई टू मिल गया रख देंगे, कोस थीटा को रख देंगे, सोल्व कर देंगे, बाकी हो गया क्या हो गया नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए तो इवन को यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों सेम ही है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ कोस थीटा क्या रखेंगे एल बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस, इसको उठा के यहाँ रखिए, इसको उठा के यहाँ रखिए, इसको उठा के यहाँ रखिए, यहाँ जब रखेंगे तो देखिए ये आ जाएगा, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर ये दोनों को क्या है दोनों सेम ही है तो जुड़ जाएगा टू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल है इसको क्या अंडर रूट है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट को वन बाय टू लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ वन है, यहाँ वन बाय टू है, देखिए इसको अच्छा से लिखिए, के को हम लोग बाहर कर दिए और टू क्यू एल, टू क्यू एल यही आपका क्या है पी है, अरे पी पी टू क्यू एल होता है आपको इसको बता चुके हैं, तो ये क्या हो गया पी, यहाँ रख देंगे पी, अब बाकी सारा डेरिवेशन क्या हो गया बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। मेन चीजें हैं इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को समझने के बाद ये आगे धीरे धीरे आप बढ़ जाएंगे, और ये जो सारे इसका जो जीवनी लिखा गया है वो जीवनी कहाँ से लिखा गया है इस बेसिक पॉइंट और फैक्ट से, ठीक है। चलिए हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा और आगे बढ़ें, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। पहले आप स्क्रीन शॉट ले लें इसको, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लिए या तो पॉज करके लिख लें, ठीक है, मिटाते हैं। देखिए आपको ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आपको समझने की जरूरत है बस डायग्राम। तो ई जो है आया क्या है के टू क्यू एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थ्री बाय टू, तो आपको पता है कि पी जो होता है वो क्या होता है टू क्यू एल होता है, तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे। अच्छा हम लोग यहाँ क्यों ला रहे हैं इसको, हम लोग पी को क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण ही बोला है ना, इसके लिए इसको लाना पड़ता है, ये क्या हो जाएगा पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थ्री बाय टू, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन, इतना लिख देंगे, यहाँ तक हो गया, आपको बोर्ड तक पूछे तो यह तक बनाना है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये जो डायपोल लेंथ होता है बहुत छोटे होते हैं, ये जो डायपोल लेंथ है बहुत छोटे होते हैं किसके कंपेयर में, ये आर जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर में, तो आर जो है आपका, आर जो है आपका ग्रेटर देन है किससे, एल से, और अगर एक और लगा दे तो फार ग्रेटर देन है, अगर एक और लगा दे तो बहुत ज्यादा, तो दो काफी है, ठीक है, दो काफी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, क्यों, क्योंकि पहले तो एल एल जो है छोटा है, इसका स्क्वायर लेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे सीधे हटा देंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा ई इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो अब ये तो हट गया, यहाँ सीधे सीधे क्या हो जाएगा थ्री बाय टू, ये टू से टू कट जाएगा, और यहाँ क्या आएगा के पी बाय आर क्यू, ये टू टू कट गया कैंसिल। तब ध्यान से देखेंगे तो ई जो आया क्या आया के पी बाय आर
क्यूब, ठीक है। ये किस पे आया? इक्विटोरियल पे आया। ये इक्विटोरियल क्या आ गया बोलिए? वो आ गया के पी बाय आर क्यूब। न्यूमेरिकल बनाने के लिए यही से काम आएगा आपका। लेकिन एक चीज और आप थोड़ा ध्यान देंगे तो याद होगा अगर आपको, तो देखिए ई आपका जो आया था किस पे? ई जो इक्विटोरियल पे, और एक था एक्सिस पे, तो एक्सिस पे आया था के टू पी बाय क्या आया था? आर क्यूब। ये दोनों के बीच का बस यहाँ टू है, मतलब एक्सिस जो है आपका अगर ध्यान से देखा जाए जो ए एक्सिस है आपका ट्वाइस है किसके? ई इक्विटोरियल के। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है यहाँ से बन जाए, लेकिन डेरिवेशन में आपको कहाँ तक कुछ है यहाँ तक क्या आप ध्यान से देखें यहाँ के पी बाय आर क्यूब है। ये क्या है? के टू पी बाय आर क्यूब। तो इसको अगर यहाँ लिख देते हैं टू, तो के पी बाय आर इसको उठा के सीधे यहाँ क्या रख सकते हैं? इसके जगह रख देंगे तो आपका टू इक्विटोरियल। मतलब एक्सिस जो है एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगा किसके कंपेयर में? इक्विटोरियल के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, डेरिवेशन आपका यहीं तक आएगा, ठीक है। और अगर और इसमें कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा तो क्या बनेगा पता है? कि इक्विटोरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे होगा? वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? क्यूब का, क्यूबिक डिस्टेंस का। लेकिन आपको पता है कि ई जो होता है क्या होता है? के क्यूब बाय आर स्क्वायर। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ चार्ज है, यहाँ क्या आपका चार्ज है, तो यहाँ अगर आपका बोलेगा तो किसके होगा? स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और यहाँ क्या होगा? क्यूब। तो ये क्यूब क्यों डेवलप हुआ? यहाँ जो क्यूब आया है क्यों आया? वो क्यूब आया है आपका ये डायपोल के कारण, ये डायपोल के कारण यह क्यूबिक आ गया। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कभी कभी आपका, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी देख लें, ऑब्जेक्टिव को पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आप चाहते तो इसको नोट कर लें, ठीक है। लेकिन बाकी आपको बोर्ड लेवल तक यही पूछेगा, इधर भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। समझ में आया होगा आई होप। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ क्या करें? शेयर करें, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट डे।